जबलपुर मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई अतिथि शिक्षकों का पिछले 3 महीनों से वेतन भुगतान न होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिथि शिक्षकों ने 1 सप्ताह के अंदर भुगतान न होने की स्थिति में जबलपुर डीओ कार्यालय के सामने धरना देंगे, उसकी पूर्ण जवाबदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। आज मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक संघ द्वारा हमने माननीय जिला शिक्षा अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में मांग की गई कि हमारा 3 माह का वेतन शीघ्र किया जाए, क्योंकि हमें वेतन ना मिलने से फरवरी से भी वेतन नहीं मिला है। अतिथि शिक्षकों की स्थिति और बिगड़ते जा रही है, भुखमरी की कगार पर हैं और दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं वेतन ना मिलने से। कोरोना जैसी महामारी के चलते अतिथि शिक्षक अपना परिवार नहीं चला पा रहा है। हमें आश्वासन दिया गया है कि 1 सप्ताह में आपका वेतन हो जाएगा। यदि हमारा वेतन नहीं होता है तो 1 सप्ताह बाद हम यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठेंगे, समस्त जिले के अतिथि शिक्षक, इसकी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। हेमंत तिवारी, जिला अध्यक्ष अतिथि शिक्षक संघ। अतिथि शिक्षकों के डेलीगेशन के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने अपने मानदेय भुगतान ना होने की बात कही है। इस संदर्भ में निश्चित रूप से ग्लोबल बजट पहले रहा करता था, वो ग्लोबल बजट में जो पहले लगा देते थे बिल, उनके बिल निकल जाते थे और संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के द्वारा तत्काल में बिल नहीं लगाए गए, जिसके कारण अलॉटमेंट ख़त्म हो गया है। वर्तमान में कमिश्नर मैडम की पहल पर जो है उनकी डिमांड के आधार पर जितने अतिथि शिक्षकों के राशि का पेमेंट होना है अलग अलग जो है डिमांड ले ली गई है और एक ब्लॉक की पाटन ब्लॉक की अतिथि शिक्षक के मानदेय का इंडिविजुअली जो है अलॉटमेंट आ चुका है। शेष 6 ब्लॉकों का भी इंडिविजुअली अलॉटमेंट आ जाएगा और मैं समझता हूँ अगले हफ्ते उनका भुगतान भी हो जाएगा।